रेडी। उन्होंने उच्च पाए की विद्या ग्रहण की, गुणी ज्ञानी रोशन ख्याल वाले होने करके बुद्ध जाने जान लगे डंडी। उस समय रूढ़ीवादी सोच ने मनुख जाति चार हिस्सों विच वंडिया होया सी डंडी। ब्राह्मण सब तो उच्चे गिने जाते, विद्या प्राप्त करने का हक भी सिर्फ उन्होंने ही सी डंडी। क्षत्री समाज के राखे भाव सैनिक का काम करते, वैश खेतीबाड़ी का धंधा करते, शूद्र सब तो नीवी जात गिनी जाती डंडी। शूद्रां नू छूहण वाला मनुख भी भ्रिष्ट हो जाता सी डंडी। बुद्ध नू भी क्षत्री जात का होण करके पूरी सैनिक सिखलाई दित्ती गई डंडी, पर ओ फजूल जुद्धां लई तैयार ना होए डंडी। उन्हां अपनी मां नूं कहा कि क्षत्री ही क्यों लड़दे हन, तां उन्हां दी माता ने जवाब दिता कि क्षत्रियां दा लड़ना धर्म है। पर मां दे जवाब नाल बुद्ध दी तसल्ली ना हुई डंडी। बुद्ध तां इह चाहुंदा सी कि आदमी दा शोषण ना करे अते समाज शांतिपूर्ण ते खुशहाल होवे डंडी। बुद्ध दे विचार दे संघ दी बैठक होई अते बहुसम्मति नाल बुद्ध विरुद्ध प्रस्ताव पास हो गया डंडी। प्रस्ताव ए सी के बुद्ध देश छड जावे डंडी। बुद्ध ने संघ का फैसला खिड़े मत्थे स्वीकार किया अते कहा कि भावें मैनू मौत दी सजा हो जावे पर रेडी मैं अपने विचारां तो पिछे नहीं हटांगा डंडी। बुद्ध ने सच्चाई अते इंसाफ दा पक्ष ना छड्या ते ओ सन्यासी दा रूप धार के देश छड गए डंडी। उस वेले बुद्ध दी उम्र 29 साल दे करीब सी डंडी। जंगल अते नदियां पार करदे हुए बुद्ध मगध दे राजे बिंबासर दे राज विच पहुँच गए डंडी। उन्होंने पहाड़ा विच एक कखां दी कुल्ली बनाई ते उस विच बसेवा कर लिया डंडी। बिंबासर नू पता लगा ते उसने बुद्ध नू बुला के महल विच रहन लई कहा, पर ओ ना मन्ने डंडी। बुद्ध सिर्फ इसे करके देश छड के आए सन के ज्ञान सिर्फ अपने कोल ही ना रख्या जावे ते उदासियां करके दुनिया विच वंडिया जावे डंडी। बुद्ध नू सुनेहा भेजा गया कि उन्हां दे मत दी जित हुई है ते ओ वापस आ जान, पर बुद्ध ना मन्ने डंडी। बुद्ध ने अलग अपना धम्म बनाया जिस दा भाव सी मनुख जाति दा ज्ञानवान समाज बनाउणा डंडी, जिस विच भुख नंग अते गरीबी ना होवे अते मनुख अमन चैन नाल रहन डंडी, आपसी लड़ाइयां दा खात्मा हो जावे डंडी। बुद्ध मत दक्षण पूर्व एशिया चीन अते दूर पूर्व वल फैलिया डंडी। वर्तमान युग विच दुनिया दी बसों दा चौथा हिस्सा
ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।